वीग्रस शहर में ज्यादातर इलाकों की बदहाली और दुर्व्यवस्था स्थानीय पालिका प्रशासन की अनदेखी और जनप्रतिनिधियों के अड़ियल रवैये का अद्भुत नजारा पेश कर रही है। शहर के अंबिका नगर में टूटी फूटी नालियों से पसरी गंदगी से परिसर वासियों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। इस मुद्दे पर अंबिका नगर निवासी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यहाँ के नगर सेवक अब भी मौन साधे हुए है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की रिपोर्ट। दिग्रस शहर का नगर पालिका प्रशासन यूं तो स्वच्छ दिग्रस सुंदर दिग्रस का दम भरता है, लेकिन जमीनी स्तर पर शहर के अधिकतर वार्डों में गंदगी बदहाली और असुविधाओं की भरमार है। शहर के अंबिका नगर में नालियों के टूटने से फैल रही गंदगी से लोग हैरान हैं और इन दिनों यहां डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से भी लोग त्रस्त हो चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पालिका प्रशासन सहित जिलाधिकारी को इस समस्या के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने इस समस्या के लिए सीधे सीधे स्थानीय नगर सेवकों को जिम्मेदार ठहराया है। नालीत पानी है, आमकी लेकर बीमार पड़ा लागली तो आप दवाखाने कर दादा बारा बारह हजार रुपये लगा लागली लोक स्वयंपाक कर लेकर पैसा लावा कुठून आता की आम्हाला नाली काढून द्या। आता हे दुसरं मतदान आलं तरी नाली निघाच लागली नाही, कवा निघते नाली? मग नगरसेवकाला बोलले नाही का तुम्ही? नगरसेवकाला येतच नाही, इथं कोणाला बोलतं? कोण कोण आहे नगरसेवक तुमचे? आता आम्हाला काही ओळख नाही बापा, काही ओळख नाही, काहीच नाही, पाहिलंच नाही का नगरसेवकाला आतापर्यंत? पाच वर्ष झाले हे नाली सुधी झालीच नाही, नगरसेवक आलेच नाही, इथं मतदान येते तर येत नाही, तर आतापर्यंत आले नाही, तर निरा आमच्या घरात शेपटीच्या आळ्यात आल्या, लेकर बीमार पडा लागले, किती वेळा आम्ही सांगून सांगून कटाळून गेलो, कोणी येत नाही। बीते एक अरसे से अंबिका नगर निवासी परिसर की समस्याओं को लेकर त्रस्त है। कई बार उन्होंने इस बाबत स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे भी खटखटाए हैं, लेकिन उन्हें हर बार आश्वासनों और जुबानी वादों के सिवा कुछ नहीं मिला। या वाड्यातील नगर सेवक किशोर भाऊ आणि खुरचडेताई ह्या दोन्ही आहे, हे दोन्ही आहे आणि संपूर्ण वार्ड क्रमांक 2 मधील पूर्ण विकास काम खुंटलेलं आहे, कुठेही रोड नाही, कुठेही नाल्या नाही आहे, पूर्ण गटार जमलेले आहे। तर संबंधित आरोग्य डिपार्टमेंटसुद्धा किंवा नगरपालिका प्रशासन हे सुद्धा या समस्येकडे लक्ष देत नाही आणि सगळ्यात जास्त जर टॅक्स जात असेल या वार्ड क्रमांक 2 मधून नगर परिषदला सगळ्यात जास्त टॅक्स जाते आणि इथं पाण्याची पण सुविधा नाही आहे, पाण्याची सुविधा पण नाही आहे। ऐसे में स्थानीय नगर सेवकों और नगर पालिका प्रशासन की उच्च कोटि की लापरवाही से परिसरवासी तिलमिला उठे हैं। आम्ही म्हणजे आत्मदहन करणार आहोत, काय आत्मदहन? 26 जानेवारीला याची दक्षता घ्यावी। मी एक ज्येष्ठ नागरिक, समजलं का, सुसंस्कृत नागरिक, अत्यंत जबाबदारीने बोलत आहो, कारण या म्हणजे एकदम गलिच्छ वातावरण आहे, याला आम्ही कंटाळलेलो आहो, हैराण झालेलो आहो। सर्वच आमच्या कुटुंबातले मुलं, मोठे माणसं सर्व दवाखान्यात भरती आहे, त्याचं प्रमाणपत्र देखील आम्ही तुम्हाला सादर करू शकतो, डॉक्टरचं दवा। मालूम हो कि अंबिका नगर के नगर सेवक किशोर साबू और सरला खुरसड़े हैं। ऐसे में जब बीसीएन न्यूज ने किशोर साबू से इस विषय में उनकी राय जाननी चाही, तब उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि जनप्रतिनिधियों ने अपने परिसर की जनता से मुंह मोड़ लिया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि परिसर की समस्याओं की दलदल में लोग बुरी तरह फंस चुके हैं, वे चीख रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दलदल से मुक्ति दिलाने के बजाय उनके नेताओं ने अपने कानों और आंखों पर हाथ धर दिए है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।